आज के दिन साल भर पहले हमास के एक हमले के बाद से एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने हजारों लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया था। इजराइल ने तभी से हमास को खत्म करने की कसम खा ली थी, जो आज पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का कारण बन चुका है। गाजा से शुरू हुई ये जंग अब 7 मोर्चों पर पहुंच चुकी है। कई देश इस बात से चिंतित हैं कि कहीं ये अब फैलते हुए कई देशों से फिर विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। पिछले हफ्ते इसराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलें दागकर ईरान ने सभी को खौफजदा कर दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल को समय के चक्र गेम में ऐसा फंसा दिया कि इसराइल न तो यहां से निकल सकता है और न ही इसमें लगातार बना रह सकता है। इसराइल धीरे धीरे कई मोर्चों पर युद्ध में फंसता जा रहा है, ईरान घेराबंदी की जुगत में है। देखा जाए तो इसराइल फिलहाल 7 मोर्चों जिनमें गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में हमास और फलिस्तीनी जिहाद, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, सीरिया में अफगानी शरणार्थियों का संगठन फातिमियों ब्रिगेड, वहीं यमन में होती विद्रोहियों और फिर बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड से लड़ाई लड़ रहा है। यानी अकेले इसराइल की सेनाएं इन सभी जगहों पर लोहा ले रही है। ईरान इस बात से खुश है कि इसराइल 7 फ्रंट वॉर के बाद 8वां मोर्चा खोलने से बचेगा। ईरानी इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। क्या सच में ईरान के जाल में फंस चुका है इसराइल? देखा जाए तो ईरान के हमले के बाद से अभी तक इसराइल ने किसी भी प्रकार से कोई पलटवार नहीं किया। सवाल है कि क्या इसराइल ईरान से सीधी जंग लेने से कतरा रहा है, क्योंकि ईरान ने हमले के बाद इसराइल को जवाबी हमले के लिए साफ तौर पर चेतावनी दे रखी थी कि अगर इजरायली फोर्सेस ने जवाब दिया तो अंजाम उनका बुरा होगा और अपने 200 मिसाइल हमलों को नसरल्लाह और कासिम सुलेमानी की मौत का बदला बताया था। हमले के बाद नेतन्याहू सामने तो आए थे, लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि ईरान इसका बुरा अंजाम भुगतेगा, पर अभी तक वो अंजाम क्या है ये किसी ने नहीं देखा। यही कारण है कि इसराइल के नए मोर्चे पर लड़ने से बचने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसराइल की सैन्य शक्ति पर ठीक रूस की तरह किसी को संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ है, जबकि इसराइल को ईरान से लड़ना होगा और इन दोनों की शक्तियां अलग हैं। देखा जाए तो 7 मोर्चों पर लड़ने के कारण इसराइल की शक्तियां भी बढ़ चुकी हैं, दूसरी ओर उसका मनोबल भी बचा हुआ है, इसी का फायदा ईरान उठा रहा है। इधर इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है और अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का मुकाबला सीधे हिजबुल्लाह से है। वो हिजबुल्लाह जो 1,00,000 की सेना रखता है, जबकि कुछ अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास 1,20,000 से ऊपर मिसाइल और रॉकेट्स की संख्या मौजूद है। इस कारण इजरायल उसे भी हल्के में नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह से सीधी जंग में इजरायल को अब तक भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर ईरान के खिलाफ इजरायल किस तरीके से और क्या एक्शन लेता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।